का पेड़। लोग पानी क्यों भर रहे हैं यहाँ पे? पानी भर रहे हैं इसलिए कि फायदे के लिए, फायदा बहुत होता है। ये आँखें लगा लो, अगर आँखें वो हो तो ठीक हो जाए, मरीज को पिया दो तो अच्छा हो जाए। हाँ, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? अरे बहुत दूर दूर तक, महसी महाराजगंज, बहरेज, ऐसे रुपैढ़िया, नेपालगंज, और कम से कम धानीपुर वहाँ गोंडा के आगे से मने आ रहा। इसका पता सर कोई नहीं बता सकता कि क्या है क्या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने। क्या निकल रहा है? ये पानी निकल रहा है सर। हाँ, लोग दूर दराज से आते हैं पानी के लिए, लेने के लिए जो आए हुए हैं सिर्फ पानी लेने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? क्या पानी किस तरीके का फायदा करता है? जी अगर फायदा नहीं करता तो दूर दराज से क्यों आते हैं सर? किस तरीके का फायदा करता है? ये जो दिल की तमन्नाएं जो लेकर आते हैं उस सारी तमन्नाएं पूरी होती है सर यहाँ। क्या कोरोना की भी दवा है क्या? हो सकता है अल्लाह ही बेहतर जाने, वो भी हो जाए। इसरत जहाँ कड़घर खन्ना को ये पानी भर रही है, क्या मामला है ये? पानी अब दूर से भरे आए हैं फायदा के लिए। फायदा के लिए? हाँ। किस तरीके का फायदा होता है? हाँ। किस तरीके का फायदा है होता है? हर चीज का फायदा है, हर मर्ज के काम में आवा था। अच्छा, तो कहाँ कहाँ से लोग आए हैं यहाँ? अब हम कड़घर खन्ना प्रवास आए हैं। देखिए पेड़ है, सही बात है, यहाँ वाटर लेवल वाटर बहुत ज़्यादा है, पेड़ की जड़ों से पानी का अवशोषण होता है और कैपिलरी एक्शन से पत्तियों तक जब पानी पहुँचता है तो वाष्पीकरण होकर के ड्रॉप बन के गिर रहा है। बाकी इसमें कोई दैविक चमत्कार नहीं है, यह सामान्य प्रक्रिया है। वह पौधा एग्जैक्टली यहाँ पर कॉमनली नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधों में ऊजिंग होती है तो उसी की वजह से वो ड्राफ्ट गिर रहा है। कोई इसमें न दैवी सकते हैं न दैवी पानी एकदम यहाँ भी फराद है, वाटर टेबल बहुत ऊपर है, उसकी वजह से जब जो ज़्यादा शोषित हो जा रहा है वही पत्तियों से, पत्तियों में पोर्स होते हैं तो वो पोर्स से पानी जो एक्सेस एब्जॉर्ब हो रहा है वही निकल रहा है, उसमें कहीं कोई अंधविश्वास कहा जाएगा? नहीं, एकदम अंधविश्वास है, एकदम अंधविश्वास है इसके। और आज के कोरोना के संक्रमण के काल में इतनी भीड़ लगाना कतई उचित नहीं है यहाँ पर। आप लोग अपने माध्यम से यहाँ पर लोगों जागरूक कीजिए कि यहाँ पर इतनी भीड़ न लगाएं, कतई भीड़ न है, उससे कोई दैविक शक्ति नहीं न कोई चमत्कार है।